हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ यूजफुल टिप्स के जरिए अगर रोज के काम आसान और बेहतर हो जाएं तो क्यों ना इन टिप्स का यूज किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर सिंक को लेकर के है। सिंक में रोज हम लोग ही बर्तन मांजते हैं और अच्छे से इसकी क्लीनिंग भी करते हैं, लेकिन अच्छे से क्लीन करने के बाद भी इस सिंक की शाइन अच्छे से वापस नहीं आती है। तो आप एक काम करिए, इसकी अच्छे से शाइन आए और ये बिल्कुल न्यू लगे, आपको लेना है एक शैम्पू और शैम्पू की 2 या 3 बूंदे बस आपको इस तरह से सिंक में डालनी है। इससे सिंक जब आप साफ करेंगी ना तो ये बहुत ही अच्छे से शाइन भी करेगा। सबसे पहले आप 2 या 3 बूंद आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, आप इस तरह से सिंक में डाल दीजिए। जब आप पूरे बर्तन अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बगैर पानी डाले इस तरह से पूरे सिंक में अच्छे से शैम्पू को लगा देना है। अच्छे से शैम्पू लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी हल्का सा इस सिंक में डालना है, फिर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से जो सिंक है हम लोग का क्लीन हो जाता है, जो दाग धब्बे होंगे वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से जब अपने सिंक को क्लीन करेंगी तो अच्छे से शाइन मारेगा, बिल्कुल भी जो दाग धब्बे होंगे वो भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। यहाँ देखिए बर्तन मारने के बाद बहुत ही अच्छे से मैंने सिंक को क्लीन किया है, ये बहुत ही अच्छे से शाइन मार रहा है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डिश वॉश या किसी भी डिटर्जेंट से इसको साफ करते हैं लेकिन अच्छे से क्लीन नहीं होता है, लेकिन आप शैम्पू के हेल्प से इसको साफ करेंगी तो बहुत ही अच्छे से क्लीन करे होगा। और एक शैम्पू से आप करीबन 2 या 3 बार सिंक को साफ कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर है मिक्सी जार को लेकर। अक्सर छोटा जार हो या बड़ा जार हो हम लोग अच्छे से यूज करते हैं, कुछ समय बाद ही इसकी जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है, वो लूज हो जाता है, क्योंकि इसकी जो रबड़ होती है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज पीसते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो चीजें पीस रही वो बाहर आने लगती है। तो ये अच्छे से वर्क करे, इसका ढक्कन बहुत ही अच्छे से टाइटली फिट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसकी रबड़ निकाल लें या फिर आप सीधे इस तरह की कैप को लेकर, जार की कैप को लेकर आप इस तरह से फ्रीजर में करीबन आधे या घंटे के लिए डाल दें। आप देखेंगे जो रबड़ लूज हो गई है, जिसकी वजह से मसाला बाहर निकल के आ जाता था, वो टाइट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से फिक्स भी होगी, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर पोछा लगाने को होती है, क्योंकि अक्सर होता है ना कमर में दर्द हो या पैर में दर्द हो, पोछा लगाना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक स्लीपर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से हम लोग अपने घर को क्लीन कर सकते हैं और झाड़ू पोछा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपको क्या करना है, इस तरह से आप कोई भी टी शर्ट ले लीजिए, पुरानी, बच्चे की हो या बड़ों की हो, जिसको आप यूज नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने एक टी शर्ट ले ली है, तो इसका यूज कैसे करना है जिससे बहुत ही अच्छे से हम लोग अपने घर में पोछा लगा सके और हम लोग को कमर में या पैरों में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लेना है आपको सुई धागा, तो आप चाहे तो सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं। आपको सीधा धागा लेना और सीधे गले के पास से थोड़ा सा नीचे छोड़ के आपको एक सीधी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा धागा लिया है, क्योंकि यूज हम लोग पोछा लगाने में करेंगे तो ये धागा जल्दी टूटे ना, तो अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटे धागे का ही यूज करिएगा। तो बस आपको सिंपली एक सीधी सिलाई करनी है, कुछ भी और नहीं करना है कि हम लोग को बहुत ज्यादा सिलाई करना है या कट करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस तरह से सुई धागे की हेल्प से एक सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई मशीन से करते हैं वो भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से सीधी सिलाई लगा ली है, अब आपको क्या करना है, धागे को हटा देना है। अब टी शर्ट का यूज हम लोग अपनी स्लीपर में कैसे करेंगे जिससे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पोछा लगा लें। देखिए पोछा तो हम लोग को लगाना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग 1-2 दिन भी पोछा नहीं लगाते तो हम लोग का मन नहीं मानता है, लेकिन अगर कमर में दर्द या पैरों में दर्द होता है तो पोछा लगाने से हम लोग कतराते हैं, लेकिन जो आइडिया मैं आपको बताऊंगी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, बस इस तरह से स्लीपर, चाहे आप इस तरह से पहने, आप पैर में पहने हुए डाल लें या आप पहले से इस तरह से स्लीपर को टी शर्ट के ऊपरी भाग में डाल दें और जो नीचे की सिलाई है वो नीचे ही रहेगी। इससे क्या होगा, जब आप पैरों से मूव करेंगे, पोछा लगाएंगे, तो वो बिल्कुल भी चप्पल आपकी जो स्लीपर है वो नीचे नहीं जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने स्लीपर को पहन लिया है, अब आपको जब भी पोछा लगाना हो, कहीं भी लगाना हो, तो बस आपको इस तरह से पहन लेना है, बहुत ही इजीली ये गले में चप्पल चली जाती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आप चाहे तो पहले ही पोछे को आप गीला कर सकती हैं, थोड़ा सा पानी डाला और पैरों की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छे से पोछा लगा सकती हूँ। होता है ना कि घुटनों में जब दर्द होता है तो बैठ के पोछा लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है, अब कमर में अगर हम लोग को पेन होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, पोछा लगाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन घर को तो हम लोग को क्लीन करना ही होता है। तो बस आप लोग इस तरह से बहुत ही सिंपल आइडिया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक सिलाई लगानी है हाथों से और बस आप इस तरह से अपनी स्लीपर को पहनिए, टी शर्ट में डालिए, आराम से आप पोछा लगा सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इससे हम लोग के काम भी आसान हो जाएंगे और जो हम लोग को तकलीफ होती थी वो भी बिल्कुल नहीं होगी।
आप अगर कहीं अक्सर होता है ना मेज पर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना नीचे गिर जाता है, तो आप इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से पोछे को लगा सकती हैं। जब आप अच्छे से पोछा लगा लें तो इजिली आप इस टी शर्ट को निकाल लीजिए, अच्छे से धुल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो है ना बहुत आसान तरीका, एक स्लीपर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से हम लोग अपने रूम को, कमरे को, जहाँ भी आप पोछा लगाना चाहें बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे ऑयल की बॉटल को लेकर के है। जब भी हम लोग ऑयल का यूज करते हैं तो ऑयल निकल करके बाहर आ जाता है। हम लोग टिश्यू पेपर या और भी चीजें, बहुत चीजें यूज करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी ऑयल हम लोग डालते हैं तो थोड़ा बहुत तो निकल आता है, तो उसके लिए आपको लेना है रबड़ बैंड, मोटी रबड़ बैंड जो होती है, जो अक्सर घर में हम लोग की रहती है। तो बस आप कोई भी पुरानी रबड़ बैंड लीजिए, इस तरह से बस आपको पहना देना है। तो जब भी आप ऑयल सब्जी बनाने या किसी चीज के लिए यूज करेंगे, डालेंगे, तो थोड़ा बहुत भी ऑयल आएगा तो ये अब्सॉर्ब कर लेगी रबड़। आप आसानी से इसको निकाल के फिर से वॉश कर लीजिए, इसको लगा दीजिए। अगर थोड़ा बहुत ऑयल नीचे भी आता है तो आप टिश्यू पेपर लगा लीजिए, तो ये वो भी बहुत ही यूजफुल आइडिया है। इसके हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से काम को कर सकती हैं, तो ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी कोई भी टिप आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।